नमस्कार, आप देख रहे हैं के क्या न्यूज। मैं अनुज पाल, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। जबलपुर बसंत पंचमी के अवसर पर हजरत दरबार बुनियाद अली शाह में बसंत पंचमी मनाई गई, जिसमें गोहलपुर स्थित हजरत महराज बाबा साहब के निवास पर बसंत के कलाम पेश किए गए। वहीं अकीदतमंदों ने शिरकत किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी धर्मों ने मिलकर बसंत पंचमी मनाई। वहीं दोपहर 12 बजे चादर जुलूस हजरत महराज बाबा साहब के निवास से निकलकर विभिन्न मार्गों से होकर हजरत बुनियाद अली शाह दरबार आस्थाने पहुँचा, जहाँ चादर पोशी गुलपोशी की गई, सलात और सलाम पेश किया गया, जिसमें दुआ मांगी गई कि देश और शहर में भाईचारा कायम रहे और सभी इसी तरह मिलजुल कर रहें एवं कौमी एकता की मिसाल कायम करते रहें। वहीं बुरी खबर क्या है, आइए देखते हैं। बसंत पंचमी तकलीज खुसरो आज पूरे हिंदुस्तान में फाज गाने चिश्त की तमाम चौकियों पर मनाई जाती है। फाजाए फाजगा मोने जान संजदी से लेकर अजर सुल्तान मशा की निजामुद्दीन का और हिंदुस्तान के तमाम औलियाए के नाम बुजुर्गान आस्थाने से ये रस्म बसंत पंचमी तकलीफ अमीर खुशो मनाई जाती है। ये अमीर खुशो ये बसंत बहारा आज से जो है दूसरी बहार आ जाती है, उस बहार को लेकर मनाते हैं और अपने ही बहार में साधु संत महात्मा रंगने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान से तवारी के गवाह है जिस तरह गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में साधु संत महात्माओं के द्वारा जारी है और वो जारी रहेगा और ता कयामत तक वो जारी रहेगा। हम सबको इंसानियत और मोहब्बत का एक अनोखा पैगाम देना चाहिए, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और गंगा जमुना तहजीब जो हिंदुस्तान की हमारी कायम है उसको कायम रखना चाहिए। इसी तरह आज दरबार बुनियादी में बसंत पंचमी का आयोजन किया गया, जुलूस निकाला गया, चादर पोशी गुलपोशी हुई। जैसे सरपरती हजरत बाबा अलहाज बाबा महराज अहमद जमाली सरजादा मस्जिद दरबार बुनियादी आस्थाना खादिम हजरत खादिम बाबा जमाली की मौजूदगी में चादर पोशी गुलपोशी हुई और शहरवासी के लिए हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए मोहब्बत का पैगाम किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। देखते रहिए के क्या न्यूज। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।